अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस बार जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ और इसमें जो मैंने बैग बनाया है वो सच में बहुत ही अच्छा बन के बनाया, जैसा मैं चाहती थी वैसे ही बन के आया है। तो इसको जो है वो हम मल्टीपल तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हैंड बैग तो एक ऑप्शन है ही, और उसके अलावा जो है वो हम इसको अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि ये वाटर बॉटल आ जाएगी, ये टिफ़िन बॉक्सेस आ जाएंगे और काफ़ी सारे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने सारे इसमें टिफ़िन आ गए, तो काफ़ी सारा सामान इसके अंदर आ सकता है। और इसके अलावा जो है भी मैंने जो है वो साइडों में ये दो पॉकेट दिए एक्स्ट्रा, जिसके अंदर आप जो है अपने स्पून फोक और नैपकिन वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो उसका सामान जो है वो इसके अंदर आसानी से आ जाएगा, उसकी मिल्क बॉटल हो या वाटर बॉटल हो या नैपीज़ हो, तो वो इसके अंदर आसानी से आ जाएंगे। ये काफ़ी हैंडी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे फॉर्मिरान शीट ली है, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपने बैग बनाने में, जिससे कि आजकल पैंचे वगैरह बनाए जाते हैं, तो इससे जो है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं दो शीट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें जो है वो इसको स्टडी बनाना है, तो इसको जो है वो हम डबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो पहले मैंने एक के ऊपर एक शीट रख कर और इस पर बस रेंडमली मैंने इस पर सिलाई लगा ली है मशीन से, ताकि ये जो है वो दोनों शीट जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच हो जाएं। तो फ़िलहाल मैंने जो है वो इसको पैटर्न से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, तो हमें चाहिए 10.5, तो मैंने इसमें एक प्लस कर दिया है, तो मैंने इसको कट किया था 11.5, ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहे। ये सब जो है वो इंचज़ में बता रही हूँ मैं आपको। और इसकी जो लेंथ है वो है 7.1, तो मैंने इसमें 8 प्लस कर दिया था, लेकिन आप यहाँ पे जो है वो 6+1 कीजिएगा, मुझसे लिखने में यहाँ पे गलती हो गई थी, आप सिर्फ 6 ही रखिएगा, यानी कि 7 कट कीजिएगा पहले आप पैटर्न को और उसके बाद उसमें से 6 निकालिएगा। तो यहाँ पे मैंने उसी के हिसाब से जो है निशान लगा लिए हैं लेंथ और हाँ जो हमें चाहिए और जो जितनी हमें इसकी विड्थ चाहिए, विड्थ हमें जो रखनी है वो है 6। तो इस तरीके से मैंने ये दो पीस कट कर लिए हैं और एक मैंने बड़ा पीस कट किया है, तो इसका मेजरमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। उसका भी जो मैंने जब कट किया था थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था मैंने, क्योंकि सिलाई लगाते वक्त जो है वो एग्जैक्ट तो आता नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो हमें जो है वो इसकी लेंथ जो चाहिए वो है 32 इंचेस और जो विड्थ है इसकी वो है 11 इंचेस। तो जितना हमें चाहिए है उससे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था इस शीट को, ताकि आसानी से हम जितना चाहते हैं उतना पैटर्न हमारा इसमें से निकल के आ जाए। तो मैंने एक एक इंच जो है वो इसको एक्स्ट्रा कट किया था। अब हमें जितना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है, उतने हम इस पर निशान लगा के अपने हिसाब से इसको कट कर लेंगे। अब इसे कॉर्नर्स को मैंने इस तरीके से हल्का सा कर्व दिया है शेप, तो हम जो है वो चारों साइड से इसको ऐसे ही हल्का सा राउंड शेप देंगे। तो ये तीन पीस हमारे रेडी हो गए हैं इसी तरीके से, और तीनों पीस के लिए जो है वो मैंने फैब्रिक भी कट कर लिया है, और फैब्रिक जो है वो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे साइज़ में। तो फैब्रिक के ऊपर जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो ड्रॉ किया है, इस तरीके से मैंने लाइंस को ड्रॉ किया है स्केच और स्केल की मदद से, इस तरीके से मैंने इस पर डायमंड शेप बनाए हैं जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं, और मैं चाहती भी थी कि नज़र ना आए, मैंने लाइट कलर से बनाए हैं। तो आप पहले इसके ऊपर इस तरीके से ड्रॉ कर लें शेप्स को, और उसके बाद जो है वो हमें इसके ऊपर मशीन से सिलाई लगानी है। तो हम ये पैटर्न इसके ऊपर रखेंगे फैब्रिक के ऊपर, तो आप देख सकते हैं फैब्रिक जो है वो मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा कट किया है इस पर। तो हम इसको रखेंगे इस तरीके से और इसको हम पलट लेते हैं, सिलाई भी जो है वो हम इसी तरह से लगाएंगे, फैब्रिक जो है वो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। अब जो है उसको पहले पिनअप कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है, सिलाई लगाते वक्त जो है वो हमें परेशानी भी होगी और कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो हम तीनों हिस्सों पे जो है वो फैब्रिक को इस तरीके से पहले पिनअप कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर हम मशीन से सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा ली हैं मशीन से, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ सेट हो गई हैं। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया है, सिर्फ मैंने सिलाई के लिए ही जितना हमें दबाव चाहिए बस उतना मैंने रखा है। और इतना करने के बाद मैंने बिल्कुल सेम साइज़ के, मतलब थोड़ा सा 19 और 20 समझ लीजिए बस, इतना रखा है मैंने,
तीनों का जो है वो मैंने अस्तर भी कट कर लिया है। हल्का सा आप इसको एक्स्ट्रा रखिएगा, ज़रा सा, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अस्तर जो है वो हम रख देते हैं। और अब जो है वो मैंने इसके हैंडल्स बना लिए हैं, तो हमें पहले हैंडल्स अटैच करने हैं। हैंडल्स की वीडियो जो है वो मैंने अलग से बना के डाली है अपने चैनल पे, उसका लिंक दिया है मैंने, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपको ये बटन नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आप ये बटन जो है फ़िलहाल मत लगाइएगा। जब मैंने वीडियो में आपको बताया है कि कहाँ पर लगाना है, किस स्टेप पर लगाना है, तो वहीं पर लगाइएगा। अब यहाँ पर जो है वो मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया ऊपर से 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो है वो 5 सेंटीमीटर मैंने निशान लगाया है, और यहाँ से भी 20 और यहाँ से 5। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद मैं इसको जो हो वो इस तरीके से रखूँगी हैंडल्स को यहाँ पे, और हैंडल्स को मैं अटैच कर लूँगी दोनों साइड पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है हैंडल्स को अटैच कर लिया है, इस तरीके से हमारे हैंडल्स आ जाएंगे। और अब जो है वो साइड के जो पीस मैंने कट किए थे वो लेंगे हम। यहाँ पे मैं जो है वो निशान लगा रही हूँ, नीचे से रख रही हूँ मैं 8, और ऊपर का जो है वो हमारा फ्लैप है तो वो रहेगा 2.5। तो इस तरीके से पहले जो है वो आप जो है वो नाप लें कि हमें जो फ्लैप कितना रखना है, तो ये है 2.5 और नीचे का जो है वो है 8 इंचेस कि इंचेस में है। तो दोनों पे इस तरीके से निशान लगा लें पहले, और इसके बाद जो है वो यहाँ पे भी कपड़े पे भी आप निशान लगा लें। अब जो है हमने जो इसके लिए जो अस्तर कट किया था वो लेंगे, उसको हम नीचे रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, और अब जो है वो हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से जो निशान लगाया है यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक लगाएंगे सिलाई, बस दोनों साइड पे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, और नीचे का जो है वो हिस्सा जो है वो अभी हमारा ओपन ही रहेगा। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम जो है वो इसके पहले जो है वो कॉर्नर कट कर लेंगे, और फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पे भी हम कट लगाएंगे। जितना कपड़ा हमें दिख रहा है बाहर की तरफ उस पर हम कट लगा लेंगे, और फिर इसको पलट के हम इसको सीधा कर लेंगे और अच्छे से इसके कॉर्नर्स को हम बना लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जो हूँ वो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, पेंसिल या कील से इसके जो कॉर्नर हैं वो अच्छे से बना लें। तो ये दोनों पीस रेडी हैं। अच्छा, इसको पलटने के बाद जो है वो मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरह से, तीनों तरफ लगा देंगे हम सिलाई, ताकि जो दोनों हिस्से हैं वो अच्छे से हमारे अटैच हो जाएँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हमें इसके ऊपर जो है वो पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट के लिए मैंने यहाँ पे ये दो पीस कट किए हैं इस तरह से फैब्रिक के, और इसको हम जो है वो फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। और ये देख लीजिए मैंने इसको जो है वो इस तरीके से इतना एक्स्ट्रा रखा है यहाँ से, क्योंकि हमें जो है वो इस पर लास्टिक लगानी है, तो ये श्रिंक होके उतना ही आ जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम बाद में कट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हम लगाएंगे इलास्टिक। तो ये जो इलास्टिक है वो देखिए मैंने यहाँ से रखनी है ना इतना, तो मैंने इलास्टिक को इतना ही कट किया है। तो जितने में इलास्टिक आ जाए उतना हिस्सा हमें छोड़ के एक हमें लाइन खींच लेनी है, और लाइन पे जो है वो हमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरी पॉकेट के लिए भी हम इसी तरीके से करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, सिलाई लगा लेंगे उस लाइन पर, और फिर जो है वो हम इसके अंदर इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद हम दोनों साइड पे सिलाई लगा देंगे ताकि ये जो इलास्टिक है वो निकल ना जाए। तो इस तरीके से जो है वो हम दोनों पॉकेट के लिए इसको रेडी कर लेंगे। और हमने तीनों साइड पे भी देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है ताकि दोनों पीस जो है वो एक साथ अटैच हो जाएँ। तो अब हम ये पीस लेते हैं और इसके ऊपर हमें अंदर की तरफ लगानी है, तो हम इसको जो है वो यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के मैंने निशान लगाया है, और इसको जो है हम इसके ऊपर रखेंगे और तीनों तरफ से हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ये जो है वो इस तरीके से रेडी होके आ जाएगा। अब हम बड़ा वाला पीस लेंगे, और सबसे पहले इस पर हम सेंटर का एक निशान लगाएंगे, और सेंटर के निशान से हम 3 इंच इधर लगाएंगे और 3 इंच इधर, लेफ्ट और राइट, और 8 इंच इधर
और 8 इंच ही इधर एक और निशान लगाएंगे हम। और इसके बाद हम ये पीस लेंगे, इस पे भी हम सेंटर का एक निशान लगाएंगे। और ये जो हमने निशान लगाए हैं उल्टी तरफ, वैसे ही हम सेम निशान इस तरह से देख के और हम इसको जो है राइट साइड पे भी लगा लेंगे। अब हम इस पीस को लेंगे और बिल्कुल सेंटर से सेंटर के निशान को हम मैच करके सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और फिर इसको टर्न करके इधर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से करके हम यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, जहाँ तक हमारा फ्लैप यहाँ पे यहाँ तक जो दिख रहा है यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। और दोनों साइड पे हम ऐसा ही करेंगे। तो देखिए इस तरीके से जो है ना ये दोनों साइड से अटैच होके आ जाएगा। मेजरमेंट मैंने जैसे बताया है आपको, आप बिल्कुल वैसे ही रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। अच्छा, अब इसको लगाने के बाद जो है वो हम इसको सीधा कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे टिच बटन लगाएंगे, यानी कि मैग्नेट बटन लगाएंगे, क्योंकि अब जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ कहाँ पे हमें जो है वो बटन लगाने हैं। तो इस तरीके से मैंने इसका जो है वो अंदाज़ा ले लिया है कि कहाँ पे मुझको लगाना है। इस तरीके से मैंने निशान लगा लिए हैं और निशान लगाने के बाद ही मैंने बटन लगा लिए हैं। और ये जो ऊपर वाले बटन हैं ये जो है वो हम बाद में लगाएंगे। तो अब जो है वो हम इसका जो अस्तर है वो लेंगे और इस तरीके से रखेंगे मिला के, और दोनों साइड से जितना कपड़ा लिया है हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था तो उसको भी हम ध्यान में रखते हुए इसको अटैच करेंगे कि दोनों साइड से हमारा बराबर रहे कपड़ा। इसको पिनअप कर लिया है हमने। अब इस तरीके से नीचे से हम इस तरीके से इसको पास करते हुए सेट करते हुए इसको घुमा के दूसरी साइड पर ले आएंगे। और यहाँ पे भी लाके इसको हम पिनअप कर लेंगे। अब जो है वो मशीन पे जो है वो हम इसको इस तरीके से रखेंगे इस तरह से, और जो फ्लैप दिख रहा है बस फ्लैप पे हम सिलाई लगाएंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम मशीन पे रखेंगे इस तरह से, यहाँ से लेके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है सिर्फ फ्लैप पे। और फ्लैप पे सिलाई लगाने के बाद ये जो कपड़ा है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके इसको अंदर की तरफ ले आएंगे। इस तरीके से ये फ्लैप में से हम इसको टर्न करेंगे देखिए इस तरह से। तो अब जो है वो हमारा अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें जो दूसरी साइड पे बटन लगाने हैं वो कहाँ पे लगाने हैं। तो मैंने इसको सेट करके निशान लगा लिया है। अब क्योंकि हम अस्तर पे लगाएंगे ना बटन तो वो तो हल्का है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मिरन शीट यूज़ करूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने जो है वो अस्तर पे निशान लगा लिए हैं यहाँ पे, और अब मैं इस पे जो है वो कट लगा लूँगी। सिर्फ अस्तर पे हमें कट लगाना है और इस तरीके से कपड़े को पकड़ के मैं इस कपड़े पे ये इस तरह से लगाऊँगी। ये मैंने इंसर्ट किया, इसके बाद ये फॉर्मिरन शीट और इसके नीचे जो वो छोटा सा हिस्सा आता है इसका, उसको लगा के मैंने अटैच कर लिया है। तो ये दोनों मैंने बटन लगा लिए हैं इस तरीके से, देखिए हमारे बटन्स आ जाएंगे। अब जो अंदर का जो हिस्सा है हमारा वो तो अभी हमारा हटा हुआ ही है, जो अंदर का हमारा अस्तर है। तो अब हम इस बैग को उल्टा कर लेते हैं और उल्टा करने के बाद जो है वो इसको हम तुरपाई से करेंगे, क्योंकि अब सिलाई लगाना तो मुमकिन नहीं है क्योंकि ये जो शेप अब जैसी आ गई है तो अब इस पर सिलाई नहीं लग पाएगी। तो हम इस तरीके से इसको फोल्ड करके और इस पर हम तुरपाई कर लेंगे, सिलाई को अंदर की तरफ दबाएंगे और उसके ऊपर जो साइड वाला कपड़ा है वो रखेंगे और इस पर हम तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए तुरपाई करने के बाद ये इस तरीके से सफाई आएगी पूरी आपकी। और अब जो है वो हम इसको सीधा कर लेते हैं, और सीधा करने के बाद यहाँ पे जो है ना हम
आई बनाएंगे जैसे कि हम सूटों में बनाते हैं चाक पे, ताकि यहाँ पे जो है ना ये ऐसा ना हो कि यहाँ से फट जाए। तो हम चारों तरफ इसके आई बना लेंगे, तो हमारा बैग जो है वो बिल्कुल रेडी है।